अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। तो जो जेपीओ हजरात हैं जिनका पेपर अभी एक रहता है, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थी मेरे पास, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह आप लोगों का सिलेबस चल रहा है ना, परसेंटेज 20-20%, तो वहाँ पे भी वही आना है, ठीक है? तो ये तो हो गया क्लियर। अब प्रिपरेशन आप इस तरह करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिछले पेपर हुए ना आपके, जितने भी 7 पेपर हो चुके हैं, तो वो तमाम पेपर जो है ना आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, और उनको जो है ना एक कोई अपना पेज बना ले, ठीक है? छोटे से शॉर्ट से नोट्स जो होते हैं वो बना ले और वहां पे उनको लिखने, जो आसान है बेशक उनको छोड़ दे, जो मुश्किल है आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा उसको ना, आप उसके ऊपर लिखते जाएं। अच्छा, उसमें से आपने जो जॉब रिलेटेड वाले हैं ना वो नोट नहीं करने, उनको आपने छोड़ देने, जेपीओ हजरात जो है जो रह गए हैं, क्योंकि आपके जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो जरा डिफरेंट आने हैं। देखें, 14 मार्क्स का आपका जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, उस 14 मार्क्स में से ना जो 6 से 7 मार्क्स है ना वो तो आ रही है मोटरवेज, यानी कि वो आपसे पूछ लेंगे कि जनाब N35 कौन सी है, N65 का आज क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे वो मोटरवे का पूछ लेंगे, M5 कौन सी है, M8 कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, बला बला इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे 5-6 नंबर के आपके। अब बाकी के जो 8-9 नंबर आपके बचते हैं ना, वो होंगे आपके रोड सेफ्टी के, आपके फर्स्ट एड के, इसके रिलेटेड होंगे वो आपके 8 से 9 क्वेश्चन। तो वो होते तो वैसे इतने मुश्किल नहीं है, आसान होते हैं, कॉमन सेंस यूज करके आप वो कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन जरूरी है फिर भी। मतलब एक बच्चा जो है बगैर तैयारी के वो ले रहा है 8 में से 5 नंबर, आपने तैयारी की, आप 8 में से 8 लेते हैं, तो वो 3 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे, इंटरव्यू में आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? तो इसकी प्रिपरेशन अब कहाँ से करें आप? इसकी प्रिपरेशन का सिर्फ एक सोर्स मैं आपको बताऊंगा, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। एक चैनल है, मैंने वीडियो बनाई थी जुहेब आबिद साहब, पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनके साथ, उनका चैनल है जुहेब आबिद, सर्च करें, शायद आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने जो है ना वो लेक्चर बनाए हैं प्रॉपर, स्लाइड्स के आधे आधे घंटे के लेक्चर हैं, तो वहां से आई डोंट थिंक सो कि वहां से बाहर कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहले वो भी जेपीओ थे आपकी तरह, फिर उन्होंने पेट्रोलिंग ऑफिसर का टेस्ट पास किया और वो पेट्रोलिंग ऑफिसर हुए, बड़ी एफर्ट की, तो वो तमाम चीजें ना उनको पता है कि कहाँ से पेपर आता है, किस तरह आता है, तो वो उसको मलहूजे खातिर रख के ना उन्होंने वो स्लाइड्स बना के वो लेक्चर बनाए हुए, आप वो लाजमी देखें। तो आपका ये एक मसला जो मेन था ना वो तो हो गया सॉल्व, कि जॉब रिलेटेड हमने कहाँ से करना है। बाकी आपकी 4 चीजें रहेगी, आपका जो है वो इंग्लिश रह गई है, जनरल नॉलेज रह गया है, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात, तो वो एक तो मैंने आपको पास पेपर बता दिए, और दूसरे नंबर पे नोट्स जो है मेरे पास है, मैंने उनको किया हुआ है क्या बोलते हैं कंपाइल किया हुआ अलग अलग, तो आप वो प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह जो है ना 100%, ये जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूँ 100% आप पास होंगे, इन पे अमल करें और लाजमी आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे, उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी वो भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे आपको। तो और कोई आप लोगों को कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई है। अभी मौजूदा टेस्ट के रिलेटेड ये नहीं आपने पूछना सर इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी सैलरी क्या है, वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है ऑलरेडी, ठीक है? तो टेस्ट के रिलेटेड आपको और कोई परेशानी कोई तंगी है ना तो वो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी हमारे साथ रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।